नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 9 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 10 विभिन्न देशों से आए युवा सिख पहुंचे तख्त हरिमंदिर। 10 विभिन्न देशों से पधारे 39 सिख युवा तख्त हरिमंदिर साहिब पहुंचे। ये सभी युवा सिख भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से आए थे। ये सभी युवा पटना सिटी स्थित तख्त हरिमंदिर पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचे इन सभी युवाओं का अहम एजेंडा सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। यहां आने के बाद उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका और उनसे जुड़े अवशेषों का दर्शन किया। STET पास अभ्यर्थियों को म्यूजिक और फिजिकल टीचर बहाली में 10 वर्षों की होगी छूट। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि बिहार सरकार ने म्यूजिक और फिजिकल टीचर की बहाली में STET 2012 बैच में पास हुए अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट देने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार इस फैसले पर पहुंची है। मुख्यमंत्री नीतीश 4 जिलों की यात्रा पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जिलों के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया स्थित मैनाटर पहुंचे, जहां वह रामपुरवा उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बनाए गए सुरक्षात्मक बांध का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। CBSE 2 हफ्तों के अंदर देगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। तय समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने और शिकायतों से निजात दिलवाने के लिए CBSE ने सिटीजन चार्टर तैयार किया है। सिटीजन चार्टर के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का सर्टिफिकेट रिजल्ट जारी होने के 30 दिनों के अंदर देना अनिवार्य होगा। रिजल्ट परीक्षा खत्म होने के 60 दिनों के अंदर जारी होगा। वहीं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट 2 सप्ताह में जारी किया जाएगा, ताकि माता पिता सरनेम के साथ अन्य सुधार 60 दिनों के अंदर करवा सके। बरौनी बिजली घर में उत्पादन हुई शुरू, जल्द मुहैया होगी बिजली। बिहारवासियों के लिए खुशखबरी, बेगूसराय के बरौनी बिजली घर की नई यूनिट में 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। 250 मेगावाट उत्पादन होने के बाद अब इसे फुल लोड में लगातार 72 घंटों तक चलाया जाएगा। ट्रायल सही तरीके से हुआ तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से इसी महीने से बिहार को 250 मेगावाट बिजली मुहैया करवाने को अनुमति मिल जाएगी। बिहार में स्कूलों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने सरकारी और निजी स्कूलों में हेल्पलाइन नंबर लिखने का निर्देश दिया है। इसके तहत अब स्कूल परिसर में छात्रों के साथ किसी भी तरह के अप्रिय वाकया करने वाले की शिकायत अब छात्राएं खुद ही कर सकती हैं। किसी तरह की परेशानी में अब छात्राएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से सीधा संपर्क कर सकती हैं। स्कूली छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर इसके लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों के नोटिस बोर्ड और दीवारों पर हेल्पलाइन नंबर 1098 लिखने का आदेश दिया है। TNB लॉ कॉलेज में ऑनलाइन नामांकन हुए शुरू। TNB लॉ कॉलेज में पहले सेमेस्टर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी जानकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने दी। ज्ञात हो, सत्र 2019-20 के पहले सेमेस्टर में नामांकन के लिए आवेदन भरने की आखिरी तारीख 28 नवंबर है, जबकि छात्रों के सिलेक्शन लिस्ट 4 दिसंबर को जारी किया जाएगा। वहीं चयनित छात्रों का दाखिला 5 से 11 दिसंबर तक किया जाएगा और कक्षाएं 12 दिसंबर से शुरू होंगी। बुलबुल तूफान के जाने के पश्चात बढ़ेगा ठंड। पटना समेत कई जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार को पटना का तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं गया 15.0 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार बुलबुल तूफान का असर खत्म होने के बाद बिहार में ठंड बढ़ सकती है। वहीं सुबह में हल्की धूप नजर आती है, साथ ही साथ रात के वक्त भी अच्छी खासी ठंड महसूस होती है। पटना पहुंचेंगे हार्दिक पटेल। गुजरात कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल आज दोपहर 1:30 बजे स्पाइसजेट विमान से पटना पधारेंगे। वे रात भर पटना में रुकेंगे, जहां वो खुला संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसके पश्चात 10 नवंबर को वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए सासाराम के लिए रवाना होंगे। वहीं खबरों के अनुसार 11 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए हार्दिक पटेल ने उनसे समय मांगा है। बेरोजगारी के कारण बीटेक और एमबीए के छात्रों को करना पड़ रहा है होमगार्ड की नौकरी। बेरोजगारी इस वक्त देश की अहम समस्याओं में से एक है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आता है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि नाइट गार्ड की नौकरी के लिए बीटेक से लेकर एमबीए तक के युवाओं ने आवेदन भरा है। बिहार विधानसभा में नाइट गार्ड, सफाईकर्मी, माली से लेकर अन्य कई पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, जिसमें बीटेक, पीजी से लेकर एमबीए तक पास युवाओं ने आवेदन भरा है। जल जमाव की जांच रिपोर्ट आएगी 10 दिनों के अंदर। हाल ही में हुए भारी बारिश से लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ा था, उसी की रिपोर्ट 14 नवंबर को उच्च स्तरीय टीम सरकार को सौंपेगी। इस मुद्दे पर विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने निगम की टीम को बुलाकर बारिश के कारण पैदा हुए विभिन्न परिस्थितियों पर जवाब मांगा है। इसके अलावा बुडको के अधिकारियों को बुलाकर भी जल जमाव के कारणों की जानकारी मांगी गई थी। जमुई जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। जमुई जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। सिमुत्ताला हिल स्टेशन, काली मंदिर, मलयपुर, चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय, जैन मंदिर धर्मशाला, गिद्धेश्वर स्थान, भीम बांध,
पत्नेश्वर नाथ मंदिर, खैरा की दुर्गा मंदिर और मीटो टावर जरूर घूमने जाए। पटना से जमुई जाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 2 से 3 घंटे का सफर करना होगा। वहीं खुद की गाड़ी से जाने वाले यात्रियों को भी लगभग 2 से 3 घंटे का ही सफर करना होगा। पटना से जमुई बाई रोड की दूरी 164 किलोमीटर है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। पटना में वामदलों और महागठबंधनों की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां राजधानी के पंचायत भवन परिषद में हो रही इस संयुक्त पीसी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी समेत वामदल के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जहां आरएलएसपी सुप्रीम उपेंद्र कुशवाहा ने सत्तारूढ़ नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 15 सालों के एनडीए शासन में बिहार रसातल में चला गया है। कोसी मलबरी योजना ने बदली कई लोगों की जिंदगियां। 2008 में आई बाढ़ के बाद कोसीवासियों के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कोसी मलबरी परियोजना की शुरुआत की थी, मगर उस परियोजना का असर अब जाकर देखने को मिल रहा है। पहले कौरी के भाव में बिकने वाला ककून से महिला साड़ी तैयार कर लाखों रुपए कमा रही है। आपको बता दें, ककून से कपड़े बनाने का सिलसिला पूर्णिया से शुरू हुआ, जब महिलाओं की टोली ने पहली बार खुद ही रेशम कीटों से तैयार ककून को बंगाल ले जाकर सिल्क साड़ियां बनाई थी। बिहार महागठबंधन से अलग हुई जीतन राम मांझी की पार्टी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया है। मांझी ने महागठबंधन में हर किसी के फैसले का सम्मान नहीं होने की वजह से यह निर्णय लिया है। मांझी ने कहा कि वो बिहार और झारखंड में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस बीच हाल ही में भाजपा और हम के नेताओं की मुलाकात के बाद दोनों के गठबंधन के अटकलें लगाए जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण में 300 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ 51 योजनाओं का शिलान्यास किया है। सीएम नीतीश ने रामपुरवा उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में कुल 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया है। आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि पश्चिम चंपारण के लोगों से उनका एक अलग रिश्ता है। वह अपनी हर यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से करते आए हैं और आगे जल जीवन हरियाली यात्रा की शुरुआत भी वह पश्चिम चंपारण से ही करना पसंद करेंगे। भूमिहार ब्राह्मण अब अपना राजनीतिक विकल्प खुद करेंगे तैयार। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भूमिहारों और ब्राह्मणों को राजनीतिक तौर पर नजरअंदाज किया गया तो भूमिहार और ब्राह्मण खुद राजनीतिक विकल्प तैयार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे लिए समाज प्राथमिकता रखता है, राजनीति नहीं। बिहार ने अपने नाम की लगातार 4 जीत। क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने लगातार 4 जीत अपने नाम किया है। अंडर 23 पुरुष वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने असम को 2 विकेट से हराकर लगातार 4थी जीत दर्ज की है। इस रोमांचक मैच में असम की टीम 28.2 ओवर में मात्र 86 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। असम से इस जीत के बाद अब बिहार का अगला मैच 10 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध होगा। SBI ने एक बार फिर कम कर दी ब्याज दरें। SBI बैंक धारकों के लिए अहम सूचना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज के ब्याज दरों में एक बार फिर 5 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का फैसला किया है, जिसके पश्चात 10 नवंबर से ब्याज दरें 8.05% से घटकर 8% हो जाएगी। आपको बता दें, SBI ने 2019-20 में 7वीं बार कर्ज सस्ता किया है। इसके अलावा SBI ने टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कटौती की है, जिसका असर आपको सेविंग्स पर जरूर पड़ेगा। सारा अली खान ने शेयर की अपने बचपन की तस्वीरें। फिल्म केदारनाथ से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली सारा अली खान ने अपनी बेहतरीन टैलेंट से सबका मन मोह लिया है। एक्टिंग के अलावा अपने मस्तीखोर अंदाज और अपनी पुरानी तस्वीरों के कारण भी सारा सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हाल ही में सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने बचपन की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सारा हैवी कपड़े और ज्वेलरी में नजर आ रही है। पोस्ट करते हुए सारा ने लिखा है कि साल 2000 से अपने शॉट का इंतजार कर रही हूं, अपना टाइम आएगा। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, सारण, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, आरा, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में भी दिन में हल्की धुंध के साथ हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। 100 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने इस सीरीज में दूसरे मैच को खेलते ही 100 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इस क्रम में रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने 99 मैच खेले हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब मलिक के नाम पर दर्ज है। शोएब मलिक अब तक कुल मिलाकर 111 T20 मैच खेल चुके हैं और अब रोहित शर्मा दूसरे 100 T20 मैचों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुआ राजद का कोई वरिष्ठ नेता। वामदलों और महागठबंधन के दलों ने अपनी एकजुटता साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, मगर एक बार फिर राजद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी दूरी बनाई रखी है। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के किसी भी बड़े नेता ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की। महज खानापूर्ति के लिए राजद ने अपनी पार्टी से अर्जुन राय को भेज दिया था। ज्ञात हो, पंचायत भवन परिषद में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी समेत वामदलों के कई बड़े नेता शामिल थे। धोनी की जगह नवादा के ईशान किशन बने।
झारखंड टीम के कप्तान बिहार के नवादा जिले के ईशान किशन ने महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेते हुए आज से शुरू होने वाले सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम की जिम्मेदारी उठाई है। ज्ञात हो ईशान किशन आईपीएल में पहले दो सीजन गुजरात लॉयंस की तरफ से खेले थे, मगर 2019 में ईशान मुंबई इंडियंस की टीम में रहे। गौरतलब है कि ईशान को अब तक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से खेलने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में इस टूर्नामेंट में उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में खुद को साबित करने का सही मौका है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू सभी 13 सीटों पर उतारेगा प्रत्याशी। आगामी झारखंड उपचुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई हैं। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सभी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान किया है, मगर जदयू की पैनी नजर पलामू प्रमंडल के 9 विधानसभा सीटों पर है, जिसके लिए पार्टी अपना दमखम लगाने में जुटी हुई है। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होने हैं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। हमारे YouTube चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।